बीए पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो आज हम बात करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। कल के वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्लेटो ने अपने से पूर्व में जो प्रचलित सिद्धांत था उसका उन्होंने खंडन किया। उसके बाद में उन्होंने अपना खुद का एक सिद्धांत दिया कि आखिर न्याय है क्या, यदि वो चीजें न्याय नहीं है तो फिर न्याय क्या है। इसके लिए प्लेटो ने अपनी एक थ्योरी दी है, तो उसको आप थोड़ा सा देखें कि प्लेटो ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया है अलग तरीके से। पहला व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है उसी आधार पे सामाजिक न्याय। तो प्लेटो ने इन दोनों चीजों को अपने तरीके से बताया। तो अपन पहले समझते हैं कि व्यक्तिगत न्याय किसे कहते हैं। प्लेटो का यह मानना है कि व्यक्ति जो भी क्रियाकलाप करता है, व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उन कार्यों के पीछे उसकी आत्मा में जो मूलभूत तत्व होते हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और प्लेटो ने मुख्य रूप से माना है कि किसी भी व्यक्ति की आत्मा में तीन तत्व मुख्य रूप से उसमें होते हैं, और ये तीनों तत्व हर व्यक्ति में हैं। पहला तत्व है विवेक तत्व, दूसरा तत्व है साहस तत्व, और तीसरा तत्व है व्यक्ति के, वो है क्षुधा या महत्वाकांक्षा। ये तीन चीजें होती है जिनके आधार पर व्यक्ति विभिन्न कार्यों को संचालित करता है। प्लेटो का यह मानना है कि व्यक्तियों के स्वभाव में जो अंतर होता है, हर व्यक्ति की कार्यशैली में अंतर है, हर व्यक्ति के स्वभाव में एक अंतर मिलेगा। व्यक्ति के स्वभाव में अंतर होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है इन तीनों ही तत्वों में से एक तत्व की प्रधानता का होना। एक तत्व है वो दो तत्वों की अपेक्षा अधिक ज्यादा होता है, और व्यक्ति का सामान्यतः व्यक्ति की जो प्रकृति है वो उसी तत्व के अनुसार प्रभावित होती है। यहां प्लेटो का ये मानना है कि ये तीनों तत्व न्याय की स्थिति तब है जब इन तीनों तत्वों में संतुलन स्थापित हो और तीनों तत्वों में एकता स्थापित हो। उस स्थिति में एक व्यक्ति का व्यक्तिगत न्याय कहलाता है, अर्थात व्यक्ति का आत्मा में जो प्रधान गुण है उस प्रधान गुण के आधार पर व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि वो उसका एक तरीके से प्राकृतिक, उसमें वो एक प्राकृतिक गुण है जो प्रधानता है आत्मा की, और उस प्राकृतिक गुण के आधार पर व्यक्ति अपने कार्य को करता रहे, ईमानदारी से करे, यही व्यक्तिगत न्याय की श्रेणी में आता है। अब उसने इसी चीज को राज्य में इंप्लीमेंटेशन किया है। राज्य में वो कहता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, देखिए प्लेटो कहता है कि राज्य क्या है, व्यक्ति का ही वृहद रूप राज्य है, व्यक्ति का ही बड़ा रूप। व्यक्ति जिस प्रकार से एक व्यक्ति के चीजें हैं हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यक्ति को, राज्य को यदि हम देखें तो प्रकट रूप में जो लोगों का कार्य करने का तरीका है वो आप देखेंगे कि वो उसी तरीके से है। तो प्लेटो का ये मानना है कि यदि आत्मा के प्रधान गुणों के आधार पर हम व्यक्तियों को भी विभाजित कर दें तो निश्चित रूप से तीन समूह बन जाते हैं या तीन वर्ग बन जाते हैं। एक वो व्यक्ति जिनमें विवेक तत्व की प्रधानता है, दूसरे वो व्यक्ति जिनमें साहस तत्व की प्रधानता है, तीसरे वो व्यक्ति जिनमें क्षुधा या महत्वाकांक्षा प्रधान होती है। तो ये कहता है कि साहस तत्व वालों को यदि हम एक तरफ कर देते हैं तो ये एक ग्रुप बन गया, विवेक तत्व वालों को एक तरफ कर देते हैं ए ग्रुप ये बन गया, और महत्वाकांक्षा वाले ग्रुप जिनमें ज्यादा है उनको एक तरफ करते हैं। तो इस प्रकार राज्य में भी व्यक्ति की आत्मा के आंतरिक गुणों के आधार पर और उसमें भी जो प्रधान गुण है उसके आधार पर यदि हम इनको विभाजित करें तो समाज में तीन वर्ग बन जाते हैं। यहां प्लेटो कहता है कि प्रत्येक वर्ग का अपना एक कार्य होता है, जैसा कि आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि हर आत्मा के तत्व का अपना एक निश्चित कार्य होता है, एक विशिष्ट कार्य उसका होता है। जैसे विवेक है, विवेक का मुख्य कार्य होता है निर्देशन करना या नेतृत्व करना। साहस है,
इसका विशिष्ट कार्य होता है रक्षा करना या युद्ध करना। क्षुधा या महत्वाकांक्षा है, इसका मुख्य कार्य होता है उत्पादन करना। तो आत्मा के तीन गुणों के आधार पर तीन वर्ग बने और तीन वर्ग बनने के आधार पर हर वर्ग के लिए एक कार्य है, उसके विशिष्ट आत्मा की विशिष्ट तत्वों के आधार पर उसको एक कार्य मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर यदि व्यक्ति की आत्मा में ये तीन तत्व हैं तो उसी के आधार पर इन कार्यों के आधार पर हम तीन वर्ग बांट सकते हैं। जिन व्यक्तियों में विवेक तत्व की प्रधानता है उन्हें वो शासक वर्ग, क्योंकि नेतृत्व का जो कार्य है वो शासक वर्ग करता है, तो विवेक तत्व वाले हैं वो शासक वर्ग में आ जाएंगे। जिन लोगों में साहस बहुत ज्यादा है वो सैनिक वर्ग में आ जाएंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे। जब भी राष्ट्र को संकट उत्पन्न होगा राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, वो युद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे। और तीसरा ग्रुप है जो जिनमें क्षुधा ज्यादा है, महत्वाकांक्षा ज्यादा है, तृष्णा जिन लोगों में बहुत ज्यादा है, वो समाज में तीसरा कार्य करेंगे उत्पादक वर्ग का। क्योंकि उत्पादन का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, कार्य वही व्यक्ति ज्यादा करेगा जिसमें किसी चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा होगी या तृष्णा होगी। तो समाज में तीन वर्ग हो गए, एक शासक वर्ग हो गया, एक सैनिक वर्ग हो गया और एक उत्पादक वर्ग हो गया। ये तीन वर्ग प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा के गुणों के आधार पर, उसमें जो प्रधान गुण है, जो बताता है कि प्रधान गुण के आधार पर व्यक्ति प्राकृतिक कार्य करता है। देखिए प्लेटो का यह मानना है कि यदि व्यक्ति अपने प्राकृतिक या नेचुरल जो उसकी आत्मा में जो प्रधान गुण है उसके विपरीत कोई कार्य करता है तो उस स्थिति में व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है या व्यक्ति उस कार्य को सही तरीके से संचालित नहीं कर पाता है। क्योंकि अंत में उसका मानना है कि व्यक्ति का वही स्वरूप सामने आता है जो उसके आत्मा में प्रधान गुण के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य के तीन वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जो कि उसकी हर व्यक्ति की आत्मा के प्रधान गुण के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, तो समाज में तीन वर्ग बन जाते हैं। अब प्लेटो यहां से अपनी न्याय की परिभाषा देता है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो आत्मा के अनुसार एक प्राकृतिक कार्य, उसकी आत्मा के विशेष गुण के आधार पर जो प्राकृतिक कार्य मिला है, उस कार्य को बिना किसी दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करते हुए अपने काम को निर्बाध तरीके से, ईमानदारी से वो संचालित करे, यही न्याय की स्थिति है। तो ये हम समझ पाए कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या चीज है। न्याय किस स्थिति को हम न्याय कहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से है कि आप समझ गए होंगे कि प्लेटो का न्याय है उसमें कोई कानूनी अवधारणा नहीं है। प्लेटो के न्याय में ऐसा नहीं है कि कोई कानून बना दिए गए, उसकी पालना हमने की या नहीं की, वो उसमें इस तरीके से है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के आधार पर हमें न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है। तो हम मुख्य रूप से, तो ये मुख्य रूप से आप इसको एक डायग्राम में इसको समझा सकते हैं कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति की आत्मा का यदि हम स्वरूप माने तो व्यक्ति की आत्मा के स्वरूप में ये तीन उसके तत्व हो गए। एक तत्व विवेक तत्व हो गया, एक तत्व हो गया तृष्णा तत्व हो गया और एक तत्व है वो व्यक्ति का साहस तत्व हो गया। तो ये तो है व्यक्ति की आत्मा का एक स्वरूप। विवेक तत्व की प्रधानता वाले हैं वो समाज में शासन का कार्य करेंगे, अर्थात ये शासन शासक वर्ग राज्य में बन गया है। तृष्णा तत्व वाले हैं ये उत्पादन का कार्य करेंगे, ये एक उत्पादक वर्ग बन गया है। और जिनमें साहस है वो सैनिक का कार्य करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे, ये है ये तीन वर्ग। अब मुख्य रूप से इन तीन वर्गों के द्वारा एक राज्य में अपने अपने द्वारा कार्य किया जाएगा संतुलन पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक और इनमें एकता बनी रहे, ये जो स्वरूप है ये प्लेटो के अनुसार न्याय कहलाता है। न्याय की विशेषताएं, न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो यदि हम देखें तो इस न्याय के सिद्धांत के आधार पर कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है। पहली जो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की विशेषता आती है वो है कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब कि प्लेटो का न्याय ये है कि प्रत्येक वर्ग में जो व्यक्ति है उसको उसके प्राकृतिक गुणों के आधार पे, उसकी आत्मा के प्रधान गुण के आधार पे जो प्रकृति ने उसको सौंपा है उसके आधार पे उसे एक कार्य आवंटित होता है और वो कार्य वो ईमानदारी से करे
प्लेटो कहता है कि वो अपना विशिष्ट कार्य जो उसको आवंटित हुआ है वही कार्य वो करता रहे। इस कार्य से इसका फायदा ये होगा कि हर व्यक्ति अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार कार्य को कर पाएगा और ये जो करना है यही उसका न्याय का पहली विशेषता हम कहला सकते हैं। तो प्लेटो की न्याय के सिद्धांत की जो पहली विशेषता हमें देखने को मिलती है वो है कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत है जिसमें हर व्यक्ति अपने प्राकृतिक जो गुण है जो उसकी आत्मा में प्राकृतिक रूप से जो प्रधान गुण है उसके अनुसार उसको एक वर्ग आवंटित होगा और उस वर्ग से जुड़े समस्त कार्य वो ईमानदारी से करे और उस कार्य को तो वो न्याय की श्रेणी में है वो न्याय कहलाएगा। दूसरा जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता हमारे सामने आती है वो ये है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसमें अहस्तक्षेप की नीति दिखाई देती है। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब ये है कि प्लेटो ने जिन लोगों को जिन वर्गों को जो कार्य आवंटित किए हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को करे बिना किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए हुए यही न्याय है। अर्थात व्यक्ति दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। हर व्यक्ति का अपना अपना कार्यक्षेत्र बटा हुआ है, हर व्यक्ति की अपनी मर्यादाएं हैं, हर व्यक्ति को जो काम मिला है उसे वो ईमानदारी से पूरा करे, निर्बाध गति से पूरा करे अपने अपने निर्धारित कामों में। जैसे मतलब एक एग्जाम्पल आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए शासक वर्ग है तो शासक वर्ग का काम है शासन के लिए निर्णय लेना, शासन के लिए विभिन्न गतिविधियां सोचना, पॉलिसी बनाना। तो शासक वर्ग के काम में सैनिक वर्ग किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी प्रकार से सैनिक वर्ग है वो राज्य की रक्षा संबंधित निर्णय है वो सैनिक वर्ग लेगा, उत्पादन से संबंधित कार्य है वो उन कार्यों में उत्पादक वर्ग है वो स्वयं करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करे बिना किसी काम के दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करते हुए। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो दूसरी विशेषता हमें दिखाई देती है वो है प्लेटो के न्याय का सिद्धांत है वो अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। अर्थात आपको जो कर्तव्य आवंटित हुए हैं, आपको जो अधिकार दिए गए हैं, आप उन अधिकारों से बाहर नहीं जाएं, आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो तीसरी विशेषता आती है वो आती है यह सिद्धांत आत्मसंयम का सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम आत्मसंयम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्लेटो ये कहता है कि आत्मसंयम का यहां सीधा सा अर्थ है कि प्लेटो का यह मानना है कि हर यहां बल का प्रयोग नहीं करना है बल्कि हर वर्ग अपने से ऊपर जो वर्ग है कार्य के आधार पर विशिष्टता के आधार पर उसका आधिपत्य सहज भाव से स्वीकार करे। ये जैसे मान लीजिए शासक वर्ग है तो शासक वर्ग का नियंत्रण सैनिक और उत्पादक वर्ग है वो उसको स्वीकार करे कि वो उनकी अधीनता या अधीनता का अर्थ यहां ये नहीं है कि वो उस पर बल प्रयोग करेगा बल्कि जहां भी विवेकपूर्ण वो कार्य कहेगा वो उसके आदेशों की पालना करेंगे। तो ये हर यहां प्लेटो का एक सबसे बड़ी जो चीज है कि प्लेटो कहीं भी न्याय के सिद्धांत में बल प्रयोग को स्वीकार नहीं करता। उसका ये मानना है कि बल प्रयोग नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में इतना आत्मसंयम होना चाहिए कि वो अपनी स्थिति को पहचाने, वो किसके अधीन है, कौन उसके ऊपर है, कौन सर्वश्रेष्ठ है और उसके आधार पर वो कार्य करे। तो यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रत्येक वर्ग अपने आप को संयमित रखे, अपने से जो श्रेष्ठ है उसकी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। ये प्लेटो के सिद्धांत की दूसरी विशेषता तीसरी विशेषता हम देख सकते हैं। अगली जो प्लेटो के सिद्धांत की विशेषता जो प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को प्रदर्शित किया है जो अवधारणा बनाई है उसमें अगली जो विशेषता हम देख सकते हैं वो ये है कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कानूनी न होकर प्लेटो का न्याय का सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है। ये सिद्धांत कहीं भी आप देखेंगे कि इसमें कानून नहीं बनाए गए हैं, बल का प्रयोग नहीं है, किसी दंड का प्रयोग नहीं है बल्कि ये पूर्णतः प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा से इसको संबंधित किया है। अर्थात नैतिकता के आधार पर वो इस सिद्धांत का समर्थन करता है। एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति जो भी अपने अधिकारों को समझे और अपने कर्तव्यों को समझे ये
प्लेटो का एक मूल भाव इसके अंदर है कि बाह्य दबाव नहीं बल्कि व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण को पहचानते हुए या जो भी उसकी आत्मा जहां भी जिस वर्ग में स्टैंड करती है उसके अपने अधिकारों को भी जाने और अपने कर्तव्यों को जानते हुए ईमानदारी से एक नीति या स्वधर्म की पालना करते हुए अपने कार्यों को आगे प्राथमिकता दें और अपने कार्यों को ईमानदारी से बिना दूसरे के काम में हस्तक्षेप करते हुए करें। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो पूर्णतः नैतिकता से जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कानूनी स्वरूप इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में आप ये भी कह सकते हैं, नैतिकता का अर्थ है यहाँ कि एक तरीके से जो व्यक्ति में सद्गुण होते हैं व्यक्ति अपने सद्गुणों के आधार पर आचरण करे। तो सद्गुण सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका पार्ट रहा है वो ये रहा है। और अगली जो विशेषता, और भी कई अन्य विशेषताएं हैं लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक क्रिएटिव सिद्धांत है, रचनात्मक सिद्धांत है। रचनात्मक सिद्धांत इस वे में है कि प्लेटो इस न्याय के सिद्धांत के द्वारा एक आदर्श राज्य के भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो एक आदर्श राज्य के भवन का निर्माण उसने किया है तो एक आप कह सकते हैं कि बड़ा क्रिएटिव थ्योरी है, एक रचनात्मक सिद्धांत है। तो ये आज हमने आज के वीडियो में कुछ सामान्य जानकारी हमने ली है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में, न्याय सिद्धांत की अवधारणा और न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं ये हमने सामान्यतः जानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं किस तरीके से की गई है और किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस आज के दौर में या वर्तमान समय में उसकी रिलेवेंस है वो कहाँ तक इसमें प्रतीत होती है। तो आज का हमारा जो वीडियो था ये बीए पार्ट थर्ड के लिए बनाया गया है, पेपर फर्स्ट, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। धन्यवाद।